अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास में आप लोगों को लेके आए वो है बिगनर सीरीज की 35 नंबर क्लास, जो कि लास्ट क्लास है फोटोशॉप की। तो इसके बाद मैं फाइवर पे सिखाऊंगा काम, प्रीमियर पे सिखाऊंगा, प्रीमियर की हफ्ते एक क्लास हुआ करेगी, और इसके अलावा साथ साथ मैं जो है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के थोड़ा से एडवांस लेवल पे भी जाऊंगा। तो इस क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, फिल्टर्स की क्लास है, फिल्टर्स गैलरी की क्लास है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम लोग एडिटिंग करते वक्त हम लोगों को बहुत ज़्यादा मैनुअली एडिटिंग करना पड़ता है, लेकिन फिल्टर्स गैलरी की बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन दी है फोटोशॉप ने, जिसमें ऑलरेडी बने बनाए फिल्टर्स हैं और आप जस्ट जाके उस पर एडिट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको शेयर किया कि ये लास्ट क्लास है, और इस क्लास में मैं फिल्टर्स गैलरी के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने एक इमेज ले लिया है, एक एग्जांपल लिया, इसको डबल क्लिक करके ओके कर दूंगा और कंट्रोल जे करके एक कॉपी ले लूंगा। जब मैं कॉपी ले लूंगा, इसका यही मकसद है कि मेरे पास बैकअप मौजूद हो। इसको मैं नीचे वाली लेयर को हाइड कर दूं तो ठीक है, अगर नहीं करनी तो वो आपकी मर्जी है। मैं ऊपर वाली लेयर पे काम करके आपको सिखाऊंगा कि फिल्टर्स गैलरी के बारे में। फिल्टर्स गैलरी एक्चुअली फिल्टर्स के अंदर ही फिल्टर गैलरी आती है। तो जस्ट आप फिल्टर गैलरी में जाएंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूँ वो भी इधर से भी कर सकता हूँ, अपना कंट्रोल टैब दबा के इसको जूम इन कर सकता हूँ, कंट्रोल टैब आल्ट दबा के इसको जूम आउट कर सकता हूँ। उसके अलावा हमारे पास ये इधर भी ऑप्शन आ रही होती है कि स्क्रीन पर मैंने उसको कितना रखना है, जिस पर इधर लिखा हुआ 66.7%, इसको स्क्रीन पर रखो। तो अगर आप कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। तो जस्ट जो ही आप इस चीज़ पे जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। अगर आपने कलर्ड पेंसिल यूज़ करना है तो जस्ट मैं इस पर कलर्ड पेंसिल पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी कि आप कलर्ड पेंसिल के थ्रू उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है, तो ये इसे कहते हैं हम सब ऑप्शन। सब ऑप्शन मीन्स कि किसी भी चीज़ में आप जाएंगे उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिस तरह इसमें लिखा आ रहा है कि पेंसिल की वेट तो आप चेंज कर सकते हैं, पेंसिल की वेट अगर आप चाहेंगे आपकी पेंसिल की वेट ज़्यादा हो सकती है, स्ट्रोक आप चाहेंगे वो चेंज कर सकते हैं, और ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में जाता हूँ कटआउट में, तो कटआउट में हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ रही होती है। सेम टू सेम वेक्टर जो ट्रेसिंग करते हैं लोग और सब कुछ, ज़्यादातर हम लोग तो इलस्ट्रेटर पे ही काम करके करते हैं, लेकिन जो है अगर आप इधर चाहते हो कि आप इसको हाई रेजोल्यूशन में नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि इस पर वैक्टर ट्रेस कर लूँ, तो आप इजिली कटआउट के थ्रू इसको कर सकते हैं। अगर इसका लेवल आप बढ़ाना चाहेंगे आप लेवल बढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा कलर्स को लेगा और फिर वैक्टर उस हिसाब से बनाएगा। अगर आप इसका कम करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी एज आप जो है वो भी ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद एज फिडेलिटी भी आप जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आपकी चॉइस पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा आप जो है ना उस चीज़ में बस चेंजेस करने हैं आपने, आपको कोई और एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है या चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किस तरह पिक्चर को एडिट करना है। उसके बाद ड्राई ब्रश की आपके पास ऑप्शन आ जाती है, यह सेम टू सेम वैसे ही काम करता है जैसा कि आम यूजल रूटीन पे जब हम लोग ड्राई ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं उसी तरह का इफेक्ट आपके सामने आ रहा होता है। ये बड़ा मज़ेदार किस्म का इफेक्ट है। अगर आप ब्रश का साइज़ बड़ा करेंगे तो उसकी स्ट्रोक्स का साइज़ ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद डिटेल्स अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं और कर सकते हैं। टेक्सचर अगर इसमें डालना है तो मैं इसको टेक्सचर पे कर सकता हूँ। फिल्म ग्रेन्स पे जाऊँगा तो सेम टू सेम उसी तरह इफेक्ट आ जाएंगे। ग्रेन्स अगर ज़्यादा करने हैं तो आप कर सकते हो, हाईलाइट एरिया करना है, इंटेंसिटी करनी है, तो मीन्स कि आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आपने किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। इसमें पिक्चर एडिटिंग की बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रही होती है। ज़्यादातर हम फाइबर पे काम कर रहे हैं तो क्लाइंट कहता है मुझे ये वाला इफेक्ट चाहिए, मुझे ये वाला इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई यूट्यूब पर जाके कोई ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इन पे आएंगे आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगी। उसके बाद प्लास्टिक रैप पे आएंगे, प्लास्टिक रैप पे भी इसी तरह ऑप्शन मौजूद होंगी। पोस्टर एजेस पे जाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी। समझ स्टिक पे जाएंगे ये भी ऑप्शन मौजूद होगी। तो ये आप छेड़छाड़ के आपको समझ आती जाएगी कि आप चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ब्रश साइज ज़्यादा करके कम करके। उसके बाद आर्टिस्टिक के बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रश स्ट्रोक वाले ब्रशेज आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्रश स्ट्रोक कितना मज़ेदार इफेक्ट दिया है। जब आप इसके एजेस ज़्यादा करेंगे तो एजेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम आप कम करना चाह रहे हैं तो उस तरह भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं इसके एजेस थोड़े कम कर लेता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं जूम करके दिखा सकूं तो कितना जबरदस्त इफेक्ट इसने दिया। अगर मैं ओके करूंगा, जो कोई भी इफेक्ट जो भी मैंने अप्लाई करना है, जो भी चेंजेस करने करके, जस्ट मैं ओके करूंगा तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। और अगर मैं चाहूंगा कि मैं इस पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज कर सकूं, जिस तरह मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शंस की आपकी क्लास में बताया था कि आपके पास बहुत जबरदस्त इफेक्ट आ सकते हैं, ओपन कर लूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमारे पास ऑप्शंस ओपन होंगी। ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको समझाया था 2019 में, ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है कि आपको डायरेक्टली ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने किस तरह चीजों को यूटिलाइज करना है। ये आप देख सकते हैं डिजॉल्व इफेक्ट में, ये वाला इफेक्ट कितना मजे का इफेक्ट आया इसने किया है, बिल्कुल स्केच वाला इफेक्ट इसने दिया है, इस तरह जैसे पेंसिल स्केचिंग हुई हुई है, और बहुत जबरदस्त इफेक्ट इसने हमारे सामने ला के रख दिया। तो इस तरह छेड़छाड़ के आप जो है ना चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल में दोबारा इसको चला जाता हूँ, फिर मैं दोबारा अपनी फिल्टर गैलरी पे चला जाता हूँ और फिल्टर गैलरी ओपन कर लेता हूँ। जब मैं अपनी फिल्टर गैलरी ओपन करूंगा तो मैं हमारे पास दोबारा से ऑप्शंस मौजूद होंगी, स्प्लिटर की भी होगी, और भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास स्केच में भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, स्केच आपको कैसा चाहिए, चारकोल में चाहिए, जिस तरह हम लोग आम रूटीन में जब स्केचिंग करते हैं चारकोल भी यूज़ करते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने किस क्या चीज़ यूज़ करनी है। पेन, ग्राफिक पेन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रोक वगैरह सब कुछ आप इस पे चेंज कर सकते हैं, प्लास्टर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रही थी वो स्टाइलाइज की, स्टाइलाइज की ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको पिक्चर एडिटिंग में ही सिखाया था, पिक्चर को स्केच पे कैसे लेके जाना है वो भी ओरिजिनल में, तो उसके लिए मैंने स्टाइलाइज की ऑप्शन यूज़ की थी। तो आप मेरी स्केचिंग वाली क्लास में जाके आप उधर सीख सकते हैं, ऊपर मैं लिंक भी उसका दे रहा हूँ, तो ताकि आपको आसानी हो जाए पिक्चर से आप स्केच में ओरिजिनल फेस स्केच में कैसे जा सकते हैं विदाउट बाय हैंड आप स्केचिंग किए हुए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्सचर्स की ऑप्शन आ रही होती है, डिफरेंट टेक्सचर्स आप डाल सकते हैं फेस पे, इसकी स्पेसिंग, क्रैक्स की स्पेसिंग भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें क्रैक्स की स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, तो पैच वर्क मीन्स के आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आपने किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज करना है। ये डिफरेंट मज़ेदार इफेक्ट हमारे सामने आ गए हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं पैच यही फर्स्ट ऑप्शन को मैं यूटिलाइज करूँ, तो मैं जस्ट ओके कर दूंगा तो ये हमारे पास ये फेस की ऑप्शन आ जाएगी। और अगर मैं चाहूँगा कि यार ऊपर वाली इमेज मेरी नीचे वाली इमेज के साथ मर्ज होके आए, तो मैं जस्ट जाके इस तरह मैं चेकआउट कर सकता हूँ जब मेरे पास 2019 होना चाहिए कि मुझे खुद ब खुद दिखा रहा हो। अदरवाइज आपको एक एक चीज़ पे जाके देखना पड़ेगा कि ब्लेंडिंग ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है, उस चीज़ को यूटिलाइज करें और उस पर काम कर सकते हैं आप। उसके अलावा बस ये सिंपल सी क्लास थी फिल्टर्स की। मैंने कहा ये फिल्टर्स की क्लास बिगनर सीरीज में ज़रूर डाली जाए, क्योंकि बिगनर सीरीज में फिल्टर्स की क्लास का ये मकसद था मेरा कि आपको समझ आ जाए कि आप एडिटिंग, कुछ पिक्चर्स की एडिटिंग किए बगैर भी आप बने बनाए फिल्टर्स के थ्रू भी आप चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी वीडियो के राइट बॉटम पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, बेल आइकॉन का आ रहा होगा, आप उस पर जस्ट क्लिक करें ताकि आपको तमाम ट्यूटोरियल्स की अपडेट मिलती रहे। ये लास्ट क्लास थी हम लोगों की फोटोशॉप की, इसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रीमियर, जैसा कि मैंने डिसाइड किया था। ये ऊपर देख सकते हैं मेरे कि मैंने इलस्ट्रेटर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, फोटोशॉप पढ़ा दिया है, तो अब मेरा प्लान है कि मैं प्रीमियर आपको सिखाऊं। लेकिन ये चीज़ माइंड में रहेगी क्योंकि प्रीमियर थोड़ा डिफिकल्ट सा है, तो हफ्ते में जस्ट एक क्लास मैं इसकी दूंगा। उसके साथ मैं फाइवर शुरू करने जा रहा हूँ, फाइवर जो है ना आपने कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है वो सब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे ट्यूटोरियल्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी इस ट्यूटोरियल लिस्ट पे जाके फोटोशॉप सीख सकते हैं। 36 क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं, उसके बाद इलस्ट्रेटर की भी 26 बिगनर सीरीज में मैंने अपलोड किए हैं, तो आप उधर से जाके सीख सकते हैं। और अगर मोर अपडेट चाहिए आप जस्ट मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, आर्टिस्टिक मेंटोर के नाम से, ये राइट साइड पे आ रहा होगा आर्टिस्टिक मेंटोर, आर्टिस्टिक मेंटोर के नाम से मेरा ग्रुप है, उसमें जाके ज्वाइन करें और मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जवाद यूनस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।